प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम में अहम बैठक हुई। एआरसीपी संबंधी जिलों के कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई और 13 जिलों से आने वाले कांग्रेस के जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। कांग्रेस कोर कमेटी के सदस्यों के साथ ये बैठक हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा प्रभारी रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा समेत कई दिग्गज भी मौजूद रहे। प्रभारी रंधावा मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत सबसे सीनियर हैं कांग्रेस में, इंदिरा जी की नीतियों पर चलते हैं, राजस्थान सरकार उन नीतियों पर चल रही है, गहलोत जी उन नीतियों पर चलने वाले नेता हैं। मेरे आने के बाद अच्छा हुआ, आज एक जाजम पर सभी नेता हैं, ब्लॉक स्तर तक कार्यकारिणी बन चुकी है, संगठन चुनाव के लिए तैयार है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस अपनी चुनावी यात्रा 16 अक्टूबर से शुरू करेगी, केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ कैंपेन शुरू करेंगे, 12 जिले से शुरू करेंगे, परसों से जन जागरण अभियान शुरू होगा और ईआरसीपी के खिलाफ मंडल स्तर तक कार्यक्रम किए जाएंगे, नवरात्रों में ईआरसीपी बहुल्य क्षेत्रों से कैंपेन शुरू। कल ये किसान जो है माधोराम, बहुत बुजुर्ग हैं, 80 साल के होंगे, वो घर पे आए, सीएमआर में आए और आप विश्वास करो इतना भावुक हो गया, क्योंकि मेरे पास 200 बीघा जमीन है, मैंने कोई कर्ज लिए ही नहीं है और मेरी फोटो रास्ता में लगा दी इन्होंने कि कर्जा जो है, एक जमीन कुड़क हो गई कि मेरी इंसल्ट कर दी। और मैं चाय पीने गया ढाबे के अंदर तो उसने कहा बाबा पहले पैसे दे। ये मैं हकीकत हूँ ना, उनका बेटा साथ था, उनके गांव के लोग साथ थे, वो भावुक आदमी था, वो कह रहा मेरे को चाय के पैसे मांग लिए। अभी तक तो मेरी गुडविल थी, 200 बीघा का मालिक है, बड़ा किसान है, पर मुझसे पैसे मांग लिए, पहले पैसे दो फिर मैं चाय दूंगा। ये उसका मेरे ख्याल वीडियो वायरल भी हुआ होगा, मेरे ख्याल से देखा होगा आप लोगों ने, ये हकीकत है। देखिए बीजेपी की हकीकत है, चुनाव के शुरू में ही, और हाँ वो क्या कह रहा, मुझे बार बार कह रहा है साहब मेरा पोस्ट हटवा दीजिए, मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे मैं क्या बाबा लगा रहे थे, मजा आ गया, तो नेता बन गया है क्या? नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं, मेरी बेइज्जती हो रही है कि मेरी जमीन कुड़क हो गई है, और मेरी कुड़क हुई नहीं है, ना मैंने कोई लोन लिया है। मतलब बताइए ये बीजेपी का चेहरा है, जो अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे आपको, इस चेहरे के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। अब ये माधोराम के चेहरे पर इलेक्शन लड़ेंगे, आप समझ जाइएगा। बीजेपी का चेहरा जो है माधोराम का, वो राजधान भर के सामने रखेंगे, ये बीजेपी चेहरा है, माधोराम चेहरा है। देखिए आज हमारी मीटिंग हुई और सभी जो ईस्टर्न राजस्थान के लीडर हैं उनको सीएम साहब ने और डोटासरा जी और हम सब ने मीटिंग की और एक यूनैनिमसली जो मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हम अपनी इलेक्शन की कैंपेन ईस्टर्न राजस्थान से ही स्टार्ट करेंगे और जो वादा खिलाफी की है बीजेपी ने, ये बोलकर के कनाल बनेगी वहाँ से स्टार्ट करके हम पूरे राजस्थान की जो बात करेंगे। देखिए जो इनके कार्यक्रम हैं, जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब ने ईस्टर्न कनाल के लिए पैसा दिया, उन्होंने भूलकर भी वो पैसा अभी तक नहीं भेजा, जहाँ के बदकिस्मती है राजस्थान की कि यहाँ के मिनिस्टर होने के बावजूद शेखावत साहब राजस्थान के साथ मजाक करते रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात करने की बजाय सबसे पहले घर की बात की जाती है फिर बाहर की बात करते हैं। जो मीटिंग आगे हुई, जो इन्होंने बातें की, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जो राजस्थान की सरकार ने काम किया हम उस पर जाएंगे और बात करेंगे और बीजेपी से उसके हम सवाल करेंगे कि अशोक गहलोत सरकार ने इतने काम किए हैं, पहले इनका जवाब दो। वो कहते हैं ना कि राजस्थान नहीं सहेगा, हम कहेंगे हमने काम किए हैं, उनका जवाब दो। जन घोषणा पत्र हमारा जो बनेगा उसके लिए जो मिशन 2030 हमारी सरकार का जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है,
वो भी उसका एक बहुत बड़ा हमारा आधार होगा, और उसको लेकर के जनता की राय से जो विजन बना है उस विजन को हम लेकर के हमारे घोषणा पत्र को ऐसा बनाएंगे, और घोषणा पत्र जब हम पेश करेंगे तो जनता 100% विश्वास करेगी हमारे घोषणा पत्र पे, क्योंकि हमने पहले वाला भी लागू कर दिया, प्लस हमने जनता की राय से हम लोग घोषणा पत्र बना रहे हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी के दो लोग केंद्र में बैठ करके जो तय करते हैं उस तरीके से कर रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि हमारी योजनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव जनता के ऊपर है, एंटी करप्शन 0 के बराबर है, भारतीय जनता पार्टी में आपस में दुनिया भर की फूट है, और वो जो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं वो परिवर्तन यात्रा पहले वसुंधरा राजे जी के पोस्टर हटाने से लेकर के शुरुआत हुई, फिर उनको उनका नाम नहीं लिया गया, फिर उनको पूर्व मुख्यमंत्री के बजाय विधायक लिखा गया, और अब शायद भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और अमित शाह जी एक परिवर्तन जो यात्रा निकाल रहे हैं, इसका मूल एजेंडा है कि वसुंधरा राजे जी पूर्व विधायक के रूप में अपना नाम नामित करें। तो मैं समझता हूं कि ये परिवर्तन खुद में ही करने में लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को बार बार राजस्थान में आकर के ये कहना पड़ रहा है कि हमारा कोई चेहरा नहीं होगा, किसी के मुखटे पे नहीं लड़ा जाएगा, कमल का फूल होगा। अरे भाई, कमल का फूल तो दिखा ही नहीं,